बिफोर टेकिंग लुक एट ऑल द कोर्सेज, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारी जनरेशन, नाउ आई एम अ 2004 बॉर्न सो आई एम अ जेंजी, हमारी जो जेंजी जनरेशन है, इन सबको बहुत ज़्यादा एक चीज़ का इम्पोर्टेंस होना चाहिए, नए प्रोफेशंस का. क्योंकि अगर हमारी जनरेशन नए प्रोफेशंस का इम्पोर्टेंस नहीं रखेगी तो कौन रखेगा नए प्रोफेशंस का इम्पोर्टेंस? क्योंकि अभी सारे प्रोफेशंस में सैचुरेशन आ गया है, डॉक्टर्स में सैचुरेशन आ गया है, डेंटिस्ट में सैचुरेशन आ गया है, इंजीनियर्स में सैचुरेशन आ गया है, मतलब हर कोई कोर्स अगर आप देखो वो सब में सैचुरेशन आ गया है. तो अगर आप नए नए कोर्सेज को अप्रिशिएट करना नहीं शुरू करोगे, और अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स जो चाहती है, नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा डॉक्टर बनेगा डॉक्टर बनेगा, ये नारा आप लगाकर बैठ गए हो, और आप अपनी फैमिली का ही सुनने वाले हो, और आपसे नीट क्रैक हो ही नहीं रही है, और आप पागल हो गए हो दिन रात पढ़ पढ़ के, और आप सीरियसली एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो, तो मैं आपको आपका सबसे पहले माइंडसेट जो आपके पेरेंट्स ने आपके दिमाग में बीज बोया है ना कि MBBS करेगा मेरा बेटा, MBBS करेगा, वो बीज को आपको ही आपके सर से उखाड़ कर निकालना पड़ेगा. बिकॉज एक चीज़ को चाहना इज़ डिफरेंट, बट एक चीज़ को एक टॉक्सिक वे से चाहना, प्यार करना और पागलों की तरह उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद करना इज़ स्टूपिडिटी. ये आपके पेरेंट्स की भी स्टूपिडिटी है कि वो आपको लिटरली अलाउ कर रहे हैं तीन तीन चार चार ड्रॉप्स लेने के लिए, और ये आपके खुद की भी स्टूपिडिटी है कि आप वो चीज़ के पीछे इतना पागलों की तरह लग रहे हो. एक बात ये अच्छी भी है, ये जुनून, ये पागलपन, बट पूरी लाइफ नहीं वेस्ट करनी ना राजा उसके पीछे. अगर आप सीरियसली आपकी पूरी लाइफ वो चीज़ के पीछे वेस्ट कर रहे हो तो क्या फ़ायदा? इवन एट दी एंड ऑफ द डे आपको 5 साल ड्रॉप लेने के बाद MBBS मिल भी गया तो भी वो सीट की क्या कीमत रहेगी? क्योंकि जितने सालों में आपका MBBS हो जाता है या फिर आपका कोई एक कोर्स हो जाता और आपकी पोस्ट ग्रेड भी हो जाती किसी और कोर्स में 3 साल के कोर्स के बाद, अगर आप लिटरली पूरी लाइफ एक चीज़ के पीछे लगा कर रखोगे और उसके बाद भी अगर आप खुश नहीं रहोगे तो ये सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ है. उससे अच्छा एक सपना गिव अप कर दो, मूव ऑन हो जाओ, और लिटरली लाइफ में कुछ ऐसा करो जिससे आप खुद भी खुश रहोगे और फ्यूचर में आपके पेरेंट्स भी खुश रहोगे. आपका हर एक रिजल्ट के बाद लड़खड़ाया हुआ, बुरा या फिर सुसाइडल थॉट्स वाला मुँह लेकर तो पेरेंट्स के सामने नहीं बैठोगे, खुशी से जियोगे. यही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अच्छा खासा पैसा कमाओगे, टेंशन फ्री लाइफ जियोगे, छुट्टियों के दिन किसी का कॉल आने के बाद, पेशेंट का कॉल आने के बाद जाना नहीं पड़ेगा. ऐसा नहीं बोल रही हूँ इट इज़ अ बैड फील्ड, बट वो फील्ड का क्रेज़ लिटरली चार चार पाँच पाँच साल अपनी लाइफ बर्बाद कर देना, जिस लाइफ में आप बहुत बेटर कर सकते थे, और डिप्रेशन में चले जाना, ये चीज़ मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ. मैं ये चीज़ सपोर्ट करूँगी कि हाँ उसने ट्राई किया, बहुत अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट इट ना यार, एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है, एक्सेप्ट कर लो, नहीं हुआ ठीक है नहीं हुआ, आगे बहुत अच्छा होगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सीरियसली. इसीलिए हमारी जो जनरेशन है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नए कोर्सेज़ का इम्पोर्टेंस जानने की. क्योंकि अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे नए प्रोफेशंस को, हम भी नहीं, MBBS ही डॉक्टर रहता है, मैं इतना लोगों का मैंने सुना है कि नहीं MBBS रहता है, MBBS रहता है. अरे हाँ भाई, MBBS ही रहता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. बट अगर नहीं हो रहा तो बंदा क्या करे? अगर 24 लाख लोगों में से बस एक डेढ़ लाख लोग चूज़ हो रहे हैं तो लोग क्या ही करें? मतलब इतना तो नहीं ना, ठीक है नहीं हो स्पेशल, चूज़ कर लो ना, कुछ ऐसा चूज़ कर लो जिसमें आप स्पेशल बनोगे, जिसमें लोग सच्ची में आपकी तरफदारी करेंगे. ऐसा नहीं है बस एक ही चीज़ से तरफदारी हो सकती है. अगर आप खुद को एक अच्छा बच्चा बनाओगे, मतलब पेरेंट्स से एक एक दो दो करोड़ ना लेकर, वो प्राइवेट की सीट ना लेकर कुछ अच्छा करोगे, खुद के बलबूते पर करोगे, एक बहुत बड़ा छेद एजुकेशन में जो पड़ जाएगा, सॉरी आपके पेरेंट्स के जेब में पड़ जाएगा आपकी एजुकेशन की वजह से, वो अगर बच जाएगा तो क्या, तो अच्छा ही तो होगा ना, बुरी बात थोड़ी है ये. बट ये मैच्योरिटी नहीं होती है ये एज में बहुत लोगों को, बट हमें नहीं दिखता है. हमारे पेरेंट्स के वो फटे हुए जूते हैं, वो मम्मी ऑफिस से आ रही है बट वो रिक्शा से नहीं आ रही है, 2 किलोमीटर घर दूर है बट रोज़ आते जाते चल के ही जा रही है, आधा आधा घंटा घर से जल्दी निकल रही है जस्ट बिकॉज रिक्शा नहीं पकड़ना है. ये जो छोटी छोटी बातें ना हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं, और हम वो बातों का इम्पोर्टेंस नहीं जान पाते क्योंकि हमें तो बस पैर फैला कर 1 करोड़ मांगना है. हाँ दे दो 1 करोड़, कर लूँगा पढ़ाई, कर लूँगा MBBS, कर लूँगा.
बहुत गलत है ये चीज़। आप सोच भी नहीं सकते वो पैसे इन्वेस्ट करोगे तो कितने बढ़ जाएंगे, और आपके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि वो पैसे आप में इन्वेस्ट करके वो बढ़ जाएंगे। अगर आप में सच्ची में वो स्पार्क है, अगर आपके दिमाग में एक ही चीज़ है कि हाँ मैं पेशेंट्स को ट्रीट करूँगा, पेरेंट्स का सपना पूरा करूँगा, मुझे वो चीज़ से ही किक मिल रही है कि हाँ कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है, कोई मुझे डॉक्टर साहब बोल रहा है, मेरे घर वाले खुश है, मेरे रिलेटिव्स खुश हैं, मेरे ये खुश है, मेरे वो खुश है। अगर वही चीज़ आपकी लाइफ में सब कुछ है ना, तो वो ले लो 1 करोड़ और कर लो, या फिर वेस्ट कर लो 5-5 साल MBBS के लिए। बट अगर वो चीज़ आपके लिए सब कुछ नहीं है, तो प्लीज़ लर्न टू गिव अप थिंग्स, या फिर डोंट गिव अ फक अबाउट थिंग्स। एक बुक है मार्क मैंशन की, अ सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अगर आपको सच्ची में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना लोगों की बातों से, तो वो बुक पढ़ लो, थोड़ा मन को राहत मिल जाएगी। मतलब एटलीस्ट आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि मुझे ये चीज़ के बारे में फ़र्क पड़ना चाहिए और ये चीज़ के बारे में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज़ रीथिंक योर डिसीजन। आई नो यू विल डू योर बेस्ट, बट प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आपको भी तकलीफ़ होगी, आपके पेरेंट्स को भी तकलीफ़ होगी। बस एक ज़िद के खातिर आप करते बैठ गए। ज़िद एग्ज़ाम के पहले लेनी है, बाद में एग्ज़ाम के बाद आपको एक्शन प्लान सोचना है कि मैं क्या करूँगा सच्ची में लाइफ में, अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा कि सच्ची में कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ये आपको एक स्ट्रैटेजिकली थिंक करना है। बस ऐसा नहीं कि आप इमोशनली सोचते बैठ गए कि नहीं हुआ मम्मी, नहीं हुआ, नहीं हुआ मम्मी। ये अगर आप करते बैठ गए ना, तो सीरियसली आपका आप तबाह हो ज़िंदगी में। एक मैच्योर्ड, एक अच्छा डिसीजन ले लो। मतलब भले ही शायद चुभे तुम्हारे माँ बाप को, पर तुम्हें पता है कि तुम उसमें अच्छा करोगे। एक अभी एक रील देखी थी, उसमें उसने कहा कि चूज़ अ प्रोफेशन जो आप फ्री में भी करोगे तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, फ्री में भी करोगे तो भी आप इंजॉय करते हो। अभी हर बार ऐसा नहीं रहता, अभी हर इंसान तो नहीं पसंद करता ना अपनी जॉब को, बट पैसों के लिए करता है। तो एटलीस्ट अगर ऐसा कोई जॉब नहीं रहेगा जिसमें आपको ऐसी किक मिल रही है, तो पैसों के लिए कर लो भाई, पैसों के लिए कर लो। बट फिर ऐसी फील्ड में जाओ जिधर गारंटेड आपको उतना मिलेगा, एटलीस्ट जॉब के लिए मरना नहीं पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द डे सबसे इम्पॉर्टेंट बात इज़ योर स्किल्स। आपके स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप स्किल्ड नहीं हो ना, मतलब फिर आप कोई भी फील्ड चूज़ कर लो, आप BHMS कर लो, BAMS कर लो, MBBS कर लो, वेटरनरी कर लो, कोई भी फील्ड कर लो, अगर आपके हाथ में वो जादू नहीं है ना कि मैं पेशेंट को ठीक कर लूँगा, तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। और फिर मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना भी अच्छा डिग्री कर लो, अगर आपके हाथों में जादू नहीं है, अगर आपके मेडिसिन में जादू नहीं है, अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में जादू नहीं है, अगर आपके उतना नॉलेज नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कितना भी आप मेहनत कर लो, बट अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको किसी चीज़ में अच्छा करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बी एट अ ईजी कोर्स, बी एट अ हार्ड कोर्स, बी एट अ डॉक्टर्स कोर्स, और बी एट एनी थिंग, आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपका डिसीजन लेना पड़ेगा आपके करियर के मामले में। बट या अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा, तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, में मेरे सारे IDs नीचे लिंक बॉक्स में डाल दूँगी। होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो, और थोड़ा सा आपको एक माइंड क्लैरिटी मिल गई रहेगी कि या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे क्या करना चाहिए सच्ची में। बट या अगर आप आपके अर्ली 20s में पहुंच गए हो, अगर आपका एज अभी 20 या फिर 21 है, देन इट्स लिटरली अ हाई टाइम, देन इट्स अ हाई टाइम यू हैव टू डिसाइड आपका क्या करियर होने वाला है, वरना कहीं ना कहीं किसी तो आपके एरिया के नाके के कट्टे पर पड़ जाओगे, बस वहाँ पर बैठकर चुगलियाँ करते रह जाओगे। और ये बस मैं बॉयज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इवन गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ। अगर आपको सच्ची में लाइफस्टाइल अच्छी चाहिए, तो आपको खुद को भी कुछ होना पड़ेगा, वरना एट द एंड ऑफ द डे हाउसवाइफ, बच्चों को संभालना, नैपी चेंज करना, अगर वो आप लाइफ इमेजिन करते हो तो वो करो। बट अगर वैसी लाइफ आपको नहीं चाहिए, एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो प्लीज़ वो करो। क्योंकि मैं खुद खुद को नहीं देख सकती कि
मैं ऐसी लाइफ जी रही हूँ क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, और इंडिपेंडेंट सबको होना चाहिए ये फील्ड में, इवन फीमेल्स, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, बहुत से लोग देखे डॉक्टर बन जाते हैं, 5.5 साल कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या, शादी करके बैठ जाते हैं, हाँ बस अभी डॉक्टर का टैग मिल गया तो ससुराल में इज्जत अच्छी रहेगी। मतलब अगर आपको एट दी एंड ऑफ द डे शादी ही करनी थी MBBS करने के बाद, तो आपने एक सीट वेस्ट क्यों की? अगर आपको पहले प्रैक्टिस ही नहीं करना था तो आपने सीट क्यों वेस्ट की? दिस इज़ लाइक लिटरली अ डम एस थिंग। बट प्लीज़ आप ऐसा मत बनिए और अपना डिसीजन वाइजली चूज़ कीजिए। बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।